हेलो फ्रेंड्स, मुकुश किचन में आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है और हमारे यहाँ कश्मीरीज में किस तरह से लड्डुओं को बना के गणेश जी को इसका भोग लगाया जाता है और सभी की कुशलता और सुख समृद्धि के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। आइए इस महामारी के दौर में भगवान गणपति से हम सभी की कुशलता और सुख समृद्धि के लिए पूजा करें और गणपति जी के लिए इस तरह से लड्डू बना के उन्हें भोग लगाएं। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीला ले लेंगे और उसमें हम एक कप चीनी डाल लेंगे और साथ ही इसमें हम आधे कप से भी कम पानी डाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी की जगह गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। अब गैस ऑन कर लेंगे और हम चीनी के घुलने तक इसे पकाएंगे। ध्यान रहे, चीनी को हमने ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसे इतना पकाना है कि चीनी हमारी घुल जाए। और अब देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। अब चीनी को थोड़ा साफ करने के लिए इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब दूध मिला लेंगे। जैसे ही दूध उबलेगा चीनी में जो भी गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी। और देखिए चीनी में उबाल आ गया है और इसमें जो भी गंदगी थी वो ऊपर आ गई है। अब इसे हम छान लेंगे। आप चाहे तो किसी छन्नी की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। और देखा आपने, चीनी में दूध मिलाने से चीनी में जो भी गंदगी थी वो सारी ऊपर आ गई है और छानने से हमारी चीनी बिल्कुल साफ हो गई है। बस अब चीनी के घोल को एक किनारे कर लेंगे और उसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा चीनी का घोल ठंडा होता है हम आटा तैयार कर लेते हैं। एक परात ले लेंगे और मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। जिस कप से हमने चीनी नापी थी उसी कप से हमने आटा भी नापना है और साथ ही 1 कप मैदा भी ले लेंगे। चीनी का नाप हमारा इस तरह से रहता है, अगर हम 3 कप आटा यूज कर रहे हैं तो उसमें हम 1 कप चीनी यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी इलायची के दाने निकाल के रखे हैं, उनको हम मसल के आटे में मिला लेंगे। और थोड़े से बादाम और काजू मैंने बारीक पीस के रखे हैं, उनको भी इसमें मिला लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा बारीक कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, उसे भी इसमें मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट मिलाने से लड्डुओं का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। आटे में सारी चीजें अच्छे से मिल गई हैं। इसमें अब हम घी मिला लेंगे। घी को हमने हल्का गुनगुना करके मिलाना है। घी डाल के भी आटे को हम अच्छे से मसल लेंगे। और देखिए घी आटे में बहुत अच्छे से मिल गया है और आटा भी हमारा अच्छे से बाइंड होने लग गया है, इसकी मुट्ठी बनने लग गई है। बस इतना ही घी हमें आटे में चाहिए होता है। अब आटे में हम 1/2 कप के करीब दूध मिला लेंगे। और दूध मिला के भी आटे को अच्छे से मसल लेंगे। दूध भी आटे में अच्छे से मिल गया है। अब जो हमने चीनी का घोल बना के रखा था उसको आटे में थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को गूंद लेंगे। आटे को ना ज्यादा हमने हार्ड गूंदना है और ना ही इसको ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है। बस जैसे हम पूरी का डो तैयार करते हैं उसी तरह का डो हमने इसके लिए भी तैयार करना है। और देखिए बढ़िया सा आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। इसको अब हम गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट के करीब हुआ है और देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको अब हल्के हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे। बस अब आटा भी हमारा अच्छे से तैयार है, इसके अब छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे।
और पेड़े को हाथ में इस तरह से मसलते हुए हम रोल कर लेंगे। और फिर इस तरह से छोटा सा काट के उसको ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से हम लड्डू तैयार कर लेंगे। और जो लड्डू हम तैयार करते रहेंगे उनको हम गीले कपड़े से ढकते रहेंगे, वरना इनकी जो ऊपर की लेयर है वो हार्ड हो जाएगी। कुछ लड्डू को मैंने इस तरह से रोल करके तैयार किया है और कुछ लड्डुओं को मैं इस तरह से मोदक का शेप देके तैयार कर लूंगी। और देखिए मैंने इस तरह से बाकी लड्डू भी तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए मेरे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब इन्हें तलने के लिए हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी में एक छोटा टुकड़ा आटा डाल के हम घी चेक कर लेते हैं। और देखिए घी हमारा गर्म हो गया है। इस आटे के टुकड़े को हम बाहर निकाल लेंगे। अब घी में जो हमने लड्डू बना के रखे थे उनको डाल के फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, वरना लड्डू हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए लड्डू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये बहुत खस्ता भी बने हैं। इनको अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी और लड्डू भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मेरे सारे लड्डू फ्राई हो गए हैं। अब जो हमने मोदक वाले लड्डू बनाए थे उनको भी इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे, लेकिन अब हम गैस की फ्लेम लो पे रखेंगे। क्योंकि ये हल्के से मोटे हैं और इनको अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इन्हें लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और इन्हें भी हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये लड्डू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले लड्डू निकाले थे। और ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। ये बहुत ही खस्ता बने हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बस आप इन्हें जल्दी से बनाइए और गणपति जी को इनका भोग लगाइए और सारे संसार की खुशहाली के लिए गणपति जी से प्रार्थना कीजिए। आप इन्हें बनाइए, गणपति जी को इनका भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में आप भी इन्हें खाइए। आपको ये बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।